क्रिकेट की खबरों के लिए इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जो हाल फिलहाल इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई T20 ODI सीरीज हुई, वहां पे ना बड़ी अच्छी तस्वीरें हमें देखने को मिली कि किस तरीके से विराट कोहली, रोहित शर्मा, रवि शास्त्री जो पूरा ग्रुप था एक साथ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि टीममेट्स नहीं है, शायद भाई की तरह एक नजर आ रहे थे और अच्छे दोस्त नजर आ रहे थे। किस तरीके से विराट कोहली ने रोहित शर्मा के कंधे पे हाथ रखा हुआ था, सब साथ में आराम से जूसेस पी रहे थे। तो सर थोड़ा ये तस्वीरें जब सामने आती हैं कि हिंदुस्तान के, या मैं तो कहूंगा दुनिया के दो सबसे बड़े बल्लेबाज, दो सबसे बड़े खिलाड़ी, तो ऐसे जब तस्वीरें नजर आती हैं तो सर हमें तो बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि ईगोज जो है यहाँ पर आपस में दीवार नहीं बन रही है इन दोनों खिलाड़ियों की, ये एक बात आप कहने की। बिल्कुल सर, तो इसमें तो सर अच्छा बता पाएंगे दिनेश जी। नहीं नहीं ऐसे तो नहीं है, क्योंकि अगर आपको जीतना है तो आपको साथ में ही चलना है। अगर आप साथ में नहीं चल रहे तो जीतोगे नहीं। कि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो, देश को जिताना, कि देश का नाम आपका रोशन। और विराट में बहुत प्रॉब्लम्स के, मुझे तो कभी कभी लगा नहीं कि विराट और रोहित में दोनों एक साथ खेलते हैं। दोनों एक साथ खेल के अच्छा, आपने जैसे बताया कि कभी रोहित शर्मा और विराट कोहली आउट होते तो भारत की दशा थोड़ी खराब हो जाती है। आपने देखा होगा दोनों अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए भारत देश जीतने हर मैच जीते जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कहां पर भी दिक्कत हो, तो एक साथ खेल रहे, अपने देश के लिए खेल रहे और अपने देश का नाम रोशन कर रहे। दिनेश सर मतलब मैंने भी वही कहा कि हमने देखा कि किस तरीके से इतनी अच्छी तस्वीरें सामने आई थी इन दोनों की, दोस्ती की तस्वीरें जो हम हमेशा देखना चाहते हैं, कि वो देखकर बहुत खुश होता है कि दो सबसे बड़े खिलाड़ी एक साथ है और हिंदुस्तान, उनका जो लक्ष्य है वो हिंदुस्तान को जितवाना ही उनका लक्ष्य है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक क्रिकेटिंग सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, वक्त कम है हमारे पास। यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जैसे हमने VVS लक्ष्मण को देखा दिनेश जी, अंडर अचीव किया अपने करियर में, इतना बड़ा टैलेंटेड खिलाड़ी, और रोहित शर्मा ने भी अभी तक टेस्ट में 7 शतक लगाए हैं और वनडे में 29। इतना बड़ा टैलेंटेड खिलाड़ी, हम सब उसके फैन है। हालांकि कुछ फैंस ये कहते हैं कि हम लोग जलते हैं रोहित से क्योंकि विराट की तारीफ करते हैं। हमने कहा भाई ऐसा नहीं है, रोहित उतना ही बड़ा खिलाड़ी है जितना विराट, और ये एकदम सच बात है, बराबर टैलेंट है। हो सकता है रोहित एक कदम आ गई हो, क्योंकि विराट खुद मानते हैं रोहित मुझसे आगे, उन्होंने बोला रोहित शर्मा के पास 1.5 सेकंड ज्यादा है। तो ये जो आपने 2009, ये जो आपने फेजेस बताया है, ये सारे बात को एक तरफ रख के, रोहित ने अपने टैलेंट के मुताबिक अब तक थोड़ा अंडर अचीव किया आपको लगता है? हाँ, हालांकि किया था, बट अभी तो नहीं कर रहा मुझे लग रहा है, क्योंकि जैसे कि टेस्ट मैच में शुरू में बल्लेबाजी करता था तो विकेट फेंक देता था। आपने देखा होगा कि हर वक्त तो 50 रन 40 रन बना के स्टेप आउट होके ऊपर से मारने चाहता था विकेट, क्योंकि रेड बॉल और व्हाइट बॉल में बहुत डिफरेंट है। अगर आप रेड बॉल को खेलते तो रेड बॉल को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, आपको लेके जाना पड़ता है। व्हाइट बॉल तो जल्दी बल्ले से निकल जाती है, तो उसके वजह से ये प्रॉब्लम होते जा रही थी, बट अभी बहुत ही अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही उसके बाद। मैदान पर जब विराट का बल्ला चलता है तो खबर बनती है, और क्रिकेट की हर खबर बताते हैं हम आपको इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर। तो जरूर करें सब्सक्राइब और भूले ना बेल आइकन दबाना, जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।